हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर नगर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप कानपुर नगर के ज़िला के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कानपुर नगर ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िलों में से एक कानपुर नगर ज़िला के नाम से जाना जाता है। कानपुर नगर ज़िला का हेड क्वार्टर ऑफिस कानपुर शहर में मौजूद है और कानपुर ज़िला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कानपुर मंडल के अंतर्गत कुल 6 ज़िले आते हैं। पहला कानपुर नगर ज़िला, दूसरा कानपुर देहात ज़िला, तीसरा औरैया ज़िला, चौथा इटावा ज़िला, पांचवा कन्नौज ज़िला और छठवा फर्रुखाबाद ज़िला। कानपुर ज़िला पहले भूतपूर्व कानपुर ज़िला के हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 जून 1976 ईस्वी को इसे कानपुर ज़िले से अलग किया गया था। इस तरह से कानपुर ज़िला को दो भागों में बांटा गया, एक कानपुर नगर ज़िला, दूसरा कानपुर देहात ज़िला। 12 जुलाई 1977 ईस्वी को इन दोनों ज़िलों को एकीकरण करके फिर एक कानपुर ज़िला बनाया गया था, लेकिन 23 अप्रैल 1981 ईस्वी को कानपुर ज़िले को कानपुर नगर और कानपुर देहात ज़िला में विभाजित कर दिया गया। कानपुर नगर ज़िला उत्तर दिशा की ओर हरदोई ज़िला और कन्नौज ज़िला, दक्षिण दिशा की ओर फतेहपुर ज़िला और हमीरपुर ज़िला, पूर्व दिशा की ओर उन्नाव ज़िला, पश्चिम दिशा की ओर कानपुर देहात ज़िला से घिरा हुआ है। और कानपुर शहर समुद्र तल से लगभग 126 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। कानपुर नगर ज़िला में 4 तहसील, 10 ब्लॉक, 42 पुलिस स्टेशन, 10 शहर, 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका परिषद, 3 लोकसभा, 10 विधानसभा, 2 नगर पंचायत, 557 ग्राम पंचायतें और 1003 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो कानपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात करें आबादी की तो साल 2011 जनगणना के अनुसार इस ज़िला की कुल आबादी 45,81,000 के करीब है, जिसमें पुरुष की कुल आबादी 24,59,000 तथा महिला की कुल आबादी 21,21,000 के करीब है। इस ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 82% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 15% के करीब है। इस ज़िला का औसत लिंगानुपात 862 के करीब है, यानी कि आबादी के अनुसार यहाँ पर 1000 पुरुष पर 862 महिला रहती हैं। व्यवसाय की बात करें तो इस ज़िला का मुख्य व्यवसाय खेती है, और यह ज़िला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। गंगा यमुना नदी के किनारे पर बसे होने के कारण इस ज़िला की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। वैसे इस ज़िला में धान, गेहूं, बाजरा, दलहन इत्यादि प्रमुख फसलें उगाई जाती है। वैसे इस ज़िला में टेक्सटाइल उद्योग, लेदर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, केमिकल उद्योग, मोटर उद्योग, गन फैक्ट्री इत्यादि उद्योग इस ज़िला में स्थित है, जो यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया प्रदान कराते हैं। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल और कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। टूरिस्ट स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर ज़िला टूरिस्ट के खजानों से भरा पड़ा है। इस ज़िला में भीतरगांव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, कानपुर मेमोरियल चर्च, नाना नाव पार्क, जैन ग्लास मंदिर,
इत्यादि टूरिस्ट स्थल इस जिला में स्थित है, जो यहाँ के लोगों को टूरिस्ट मुहैया प्रदान कराते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो कानपुर नगर जिला सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 तथा नेशनल हाईवे संख्या 25 तथा नेशनल हाईवे संख्या 86 और नेशनल हाईवे संख्या 91 इस जिला से होकर गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग की बात करें तो कानपुर नगर जिला रेल मार्ग से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कानपुर नगर जिला के नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, पनकी रेलवे स्टेशन, कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन और कल्याणपुर रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।